एसपी डीएसपी उन्हें सलाम करते हैं। इस कस्बे के बहुत बड़े आदमी एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार। चेंज योर सेल्फ, बी द गेम चेंजर, बी योर माइलस्टोन। तो आप समझ सकते हैं उनका योगदान हमारे राष्ट्र में अदर जात के लोग को भी सीखना चाहिए। केवल नाग निकाली वर्ग से जो हो, चाहे अपने आपको ब्राह्मण कहते हैं, मैं खुले तौर पर बोलता हूँ, जो सच है उसे छिपाया नहीं जा सकता। और वो मैं सच कहने से पूछा नहीं हट सकता, क्योंकि आज बाबा साहब की वजह से भी मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। जो जवानी में किस तरीके का वो किया जा रहा था, मैं उनके वक्तव्य से एक बात कहना चाहता हूँ। उनका विचार था जो कि भारतीय सच्ची पूर्व छात्र काशी गांधी विश्वविद्यालय से जो है कि चल के आए हुए हैं, और आप लोग के समीप जो है कि बाबा साहब के बारे में दो चार अच्छी बातें जो है कि सर्वप्रथम पॉलिटिशियन आफ्टर वर्ल्ड बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए प्रेरणादायक है। उनका जीवन हमारा भारत सदियों से शक्तिशाली राष्ट्र रहा है। उसकी शक्ति को पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं थी। भारत की शक्ति को अपने नाम का डंका पूरे विश्व में बजाने वाले केवल बाबा साहब थे। आप उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योगदानों से समझ सकते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। वास्तव में हमें सभी समस्त अधिकारों उसके साथ साथ भारत की बात करें तो हम सभी के योगदान और उनका हमारे समर्पित राष्ट्रहित में राष्ट्रप्रथम राष्ट्रहित सर्वोपरि के प्रति उनका समर्थन सदैव याद किया जाएगा और हमेशा रहेगा। उनका एक कोटेशन मुझे बहुत प्रेरणा देता है, हमारे पैरों में जूते न हो लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। हाथ में किताब जरूर होने चाहिए। शिक्षा से अपने का दूध है जो पिएगा वो सहारेगा। वो कहा करते थे, आज मैं आपको एग्जांपल देकर के बताता हूँ। मेरे गुरु डॉक्टर विकास विद्यार्थी एक बार बार कोलंबिया विश्वविद्यालय गए थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाने के बाद उन्होंने देखा, 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, उस वक्त से लेकर अब तक आधुनिक समय तक आज तक और उस कोलंबिया विश्वविद्यालय में आप विचार करिए, अपने हिंदुस्तान में लोग धर्म के नाम पर आज चीजों के नाम पर पाखंडवादी और जातिवादिता का भाव प्रकट करते हैं, लेकिन आप जाएंगे देखे कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनकी मूर्ति लगाई गई है, और केवल सिर्फ एक मूर्ति केवल बाबा साहब की। और दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से बाबा साहब ने MSc इन इकोनॉमिक्स और DSc 8 साल की डिग्री, 6 साल की डिग्री, केवल 2 साल में उन्होंने उसको उपलब्धि को हासिल किया। और पूरे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के कैंपस में आप देखेंगे, अगर कोई पूरे विश्व में अगर ऐसा विश्वविद्यालय जो नंबर वन मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स का सबसे बेहतरीन उस विश्वविद्यालय में उन्हीं की मूर्ति लगाई गई, केवल उन्हीं की। तो आप समझ सकते हैं उनका योगदान हमारे राष्ट्र में अदर जात के लोग को भी सीखना चाहिए। केवल नाग निकाली वर्ग से जो हो, चाहे अपने आपको ब्राह्मण कहते हैं, मैं खुले तौर पर बोलता हूँ, जो सच है उसे छिपाया नहीं जा सकता। और वो मैं सच कहने से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि आज बाबा साहब की वजह से भी मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ। जो जवानी में किस तरीके का वो किया जा रहा था, मैं उनके वक्तव्य से एक बात कहना चाहता हूँ। उनका विचार था देश के समस्त नागरिक, एक वक्तव्य के माध्यम से बोलूंगा, खुलो दिल में जुबान पर निकास रहने दो,
खुलूस दिल में जुबान पर मिठास लाने दो, ना खुद रहो उदास ना किसी को उदास जाने दो, ना खुद रहो ना किसी को उदास जाने दो। वास्तव में उनका जीवन जीवन आजीवन सदैव याद रखा जाएगा। और मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करूं, उनका वास्तव में मालवीय जी के साथ कोलैबोरेशन बहुत अच्छा था। कई लोग ये भी नहीं जानते कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था, क्योंकि सब संसदीय कमेटी थी, प्रारूप समिति तैयार की जा रही थी। अभी मैं एक जगह वक्ता सुन रहा था तो आर के राव साहब ने कहा कि बाबा साहब जो है समानता का अधिकार, इक्वालिटी, हमें सही तरीके से अगर इक्वालिटी का अधिकार दिलाएं तो बाबा साहब भी थे, नहीं तो उसके अलावा कोई नहीं था। आप सभी का दिल से सम्मान सहित हार्दिक आभार और धन्यवाद। मुझे एक शैक्षिक वक्ता के तौर पर इतनी मिनट का आपने बोलने का मौका दिया, इसे मैं एक जितना भी अपने लिए सौभाग्य समझता हूँ। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, अमर रहे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय जय। सबसे पहले शांति और मानवता का संदेश देने वाले गंगा के सागर तथा गंगा भक्त को नमन करता हूँ, नमन करता हुआ भारत के भाग्य विधाता, भारतीय संविधान के निर्माता, करोड़ों करोड़ों दबे दबे समाज के मसीहा सिंबल ऑफ नॉलेज बद शब्द बाबा साहब को जिनकी राजी राजा 134वीं जयंती भाषी दुनिया के पावन धरती पे मना रहे हैं। धन्यवाद निभाता हूँ धरती को और नमन करता हूँ समय समय पर जन्मे उन तमाम संत गुरुओं को, महापुरुषों को जिन्होंने इस देश में समता स्वतंत्रता भाईचारों को बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। उस कड़ी में शिक्षा की ज्योति जगाने वाले महात्मा ज्योतिबाराव फुले, माता सावित्री बाई फुले, माता फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु पेरियार रामास्वामी नायक, संत गाड़गे महाराज, बिरसा मुंडा, ललई यादव, सभी संतों को महापुरुषों को नमन करते हुए बहुजन विचारधारा को हमारे यहाँ पहुंचाने वाले दाम एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशी राम साहब को नमन करते हुए आज भी हमारे यहाँ लिए इस सामाजिक परिवर्तन को निरंतर 18-18 घंटे लेकर चल रही जो कि उत्तर प्रदेश के 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, आदरणीय उत्तर प्रदेश के 4-4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय कांशीराम साहब की मातृ शिक्षा आदरणीय कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर इस दुनिया की धरती में दुनिया की धरती पर उपस्थित इस दुनिया ग्राम सभा के सभी सम्मान्य साथी माताएं बहनें और आप सभी की ओर से मंच पर उपस्थित हैं इस ग्राम सभा के प्रधान
अरविंद जी और मास्टर तिलक जी और शीतला प्रसाद जी, यज्ञ नारायण गौतम जी, शिव भोजन जी और लाल मानव जी जो कि हमारे साथ चल के आए हैं, हमारे साथ चल रहे मास्टर अशोक साहब जो कि जो कि और हमारे साथ चल रहे हैं पंकज बिंद जी जो कि प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों की ओर से बाबा साहब डॉक्टर बाबा अंबेडकर के 134वीं जयंती पर नमन एवं आप सभी को 134वीं जयंती का हार्दिक शुभकामना एवं बधाई देता हूं। साथियों, मंजिले भोले भी मुबारक, ठोकरे खाने के बाद इतिहास बाकी है उनकी गाथा, मर जाने के बाद ऐसा वक्त कहने की आशा क्यों पड़ रही है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है दुनिया की धरती पे यहाँ ये लोग काफी जागरूक है, लेकिन अगर लगभग 10 जगह से लौट करके आए हैं वहाँ पे ऐसा देखने को मिला कि वहाँ पे ज्यादातर महिलाएं सहभागिता नहीं आ रही थी, पुरुष और बच्चे हुआ करते थे। तो वहाँ पे बड़ा दुर्भाग्य समझ में आता था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लोग जानते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो बातें हैं मेरा मानना है वो लोग नहीं जानते हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानना देखिए आम बात है, आप तो जानते हैं, लेकिन आपके सिवा अगर लोग भी जानते हैं जो कि मूर्तियों को भी तोड़ा करती है। तो साथी बाबा साहब को न जाने, मैंने वहां पे पता लगो बाबा साहब की जाने जाने, क्योंकि बाबा साहब देश में क्या चाहते थे, बाबा साहब देश में देश के तमाम लोग जोड़ने वाले थे, ऐसे तबके के लोग जिनको शिक्षा से दूर रखा गया, ऐसे तबके के लोग जिनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से जो है कि मना था, ऐसे तबके के लोग जिनको छत की झोपड़ी में जो है सिर्फ रहने का अधिकार था, ऐसे तबके के लोग जिनको धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था। साथियों, बाबा साहब उनको ऐसे तबके के लोग जिनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था, ऐसे ऐसे लोगों को बाबा साहब हुक्मरान बनाना चाहते थे। क्या चाहते थे? हुक्मरान बनाना चाहते थे, आपको राजा बनाने की बात करना चाहते थे बाबा साहब। लेकिन दुर्भाग्य की बात नहीं कि आज 70 साल भारत आजाद होने के बाद भी संवैधानिक तौर पर हम लोगों को आजादी क्या मिल गई है, लेकिन सामाजिक तौर पर आज हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं। साथियों, हम तो गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं, लेकिन साथियों भारत 70 साल आजाद होने के बाद भी अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाले पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी, इस बात को जरूर आप आज जैसा कि पंकज जी हमारे चाचा जी अपनी बातों का अनुरोध रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने हम लोगों को संतुष्ट दे दिया। साथियों, आप लोगों ने हमारे प्रवक्ता साहब ने भी आप लोगों को बताया कि बाबा साहब डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा मूर्ति हमेशा नहीं करने पर प्रतिमा बाबा साहब का है रूप होना है। मूर्ति अलग अलग मूर्ति किसी की होती है, पत्थर की होती है, लेकिन प्रतिमा जैसे बाबा साहब का स्वरूप है कि नहीं? ये स्वरूप आपके कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगा। दुर्भाग्य की बात है, मैंने बताया कि मैं अगर जगह पे गया तो वहाँ पे देखा कि महिलाएं नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे है, मैं मुझे बड़ा खुशी हो रहा है, बहुत बहुत। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लगाई गई, जानते क्यों लगाई गई? क्योंकि बाबा साहब इतने बड़े विद्वान थे जिन्होंने
विद्वान हुए कैसे भी बातें विद्वान होने को हमको साथियों गुलामी की लड़ाई कैसे तमाम लोग लड़ रहे थे, लेकिन गुलामों के जो गुलाम थे उनकी लड़ाई लड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं था साथियों, उनकी लड़ाई लड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं था। उसका अगर किसी ने लड़ाई लड़ा तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव साथियों, जिनको अपनी बात रखने का अधिकार नहीं था, जिनको अच्छे अच्छे खाना खाने का अधिकार नहीं था, जिनको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, संविधान बनने के पहले बाबा साहब ने उनको जो है आगे लाना चाहते थे। एक वाक्य के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में संविधान बनने के पहले ऐसा हुआ करता था, आज तो बच्चा जन्म लेता है तो सोहर होता है, है कि नहीं? लेकिन साथियों जन्म लेना तो माँ बाप के बस की बात हम लोगों के बस में था, लेकिन हमारी व्यवस्था को चलाना हमारे बस में नहीं था, उसको चलाने वाला कोई और था कि भविष्य को आपको गुलामी से आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। A new beginning coming soon, Pankaj Kumar CSC Academy. You can do it. Success is your destiny. Stand up, never give up. Globalization of free education on YouTube.